दोस्तों, आप लोग PUBG और बाकी बहुत से गेम्स खेलते हो जहां आपका समय बहुत बर्बाद होता है और घंटा कुछ नहीं मिलता। वहीं आता है ये ऐप जहां आप सिर्फ गेम खेल के मजे के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करना है। अपना नंबर रजिस्टर करते ही आप 10 से 50 रुपए जीत जाएंगे। अब इनमें से कोई से भी गेम खेलें और पैसे कमाएं। अब तक लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं और हजारों लोग बस मजे से गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं। आज के टाइम पे लोगों के लिए कंप्यूटर एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। सारा काम माउस के एक बटन से होने लगा है। अब चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कंपनीज भी हर दूसरे दिन अपने कंप्यूटर्स को और भी ताकतवर बना रही है। पर फिर भी ऐसी क्या चीज है जो एक सुपर कंप्यूटर को हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से अलग बनाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को कभी भी उस लेवल पर लेकर नहीं आ पाता कि आप उसे एक सुपर कंप्यूटर कहो? आज हम सुपर कंप्यूटर के ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो एक आम इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर को पहली बार बनाया गया था सेमर रोजर क्रे नामक इस व्यक्ति ने। ये अमेरिकन नागरिक एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था जिनकी 5 अक्टूबर 1996 में मौत हो गई। इनके जिंदा रहते हुए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था जो 1 मिलियन प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में सॉल्व कर देता था। फैक्ट नंबर 2, आज आपके कंप्यूटर में कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी है? 1 टीबी, 2 टीबी या 10 टीबी? शार है A1 नामक चाइना के सुपर कंप्यूटर में 2,27,000 जीबी से ज्यादा कैपेसिटी है। ये कंप्यूटर 14,336 इंटेल के ज़ियोन प्रोसेसर से मिलकर बना है। इसे चलाने में ही लगभग $20 मिलियन यानी 142 करोड़ रुपए हर साल खर्चा आता है और हर समय सुबह शाम 200 से 300 इंजीनियर इसे दौड़ाने में लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपका कंप्यूटर कितनी रैम मांगता है? 4 जीबी, 8 जीबी, 32 जीबी या 64 जीबी? अब अंदाजा लगाइए एक सुपर कंप्यूटर कितनी रैम मांगता होगा। एक बार सोच के देखें, शायद आप उस आंकड़े के आसपास पहुंच जाएं। तो कितना सोचा, 500 जीबी, 1000 जीबी या 5000 जीबी? एक काम करते हैं, इन फैक्ट्स को छोड़कर सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ। अमेरिका में मौजूद वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट एक ऐसा कंप्यूटर है जो 1 करोड़ जीबी की स्टोरेज अकेले लिए बैठा है। ये इतनी स्टोरेज है जो 74 सालों में बनी सारी वीडियोस को रखने के लिए काफी है, वो भी HD में। अभी मैंने आपसे रैम का सवाल पूछा था, आपने सोच तो लिया ही होगा, 500 जीबी, 1000 जीबी, 5000 जीबी या 10000 जीबी? और अगर मैं ये बोलूं ये बहुत ज्यादा कम है, तो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर 1,30,000 जीबी रैम तक की डिमांड करता है। 2 टेनिस कोर्ट जितने बड़े इस सुपर कंप्यूटर में लगे हैं 4,608 कंप्यूटर, जिसका हर सर्वर 22 करोड़ के IBM पावर 9 प्रोसेसर और 6 NVIDIA टेस्ला V100 ग्राफिक्स से चलता है। इसके कैबिनेट ही इतने ज्यादा हैं कि ये इसे एक एरोप्लेन के वजन से भी ज्यादा भारी बना देता है, जो लगभग 340 टन्स हैं। इसका इतना भारी वजन, इतना बड़ा साइज यूं ही नहीं किया गया। यह कंप्यूटर इतना फास्ट है कि ये 1 सेकंड में 2,000 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। इससे पहले चाइना का एक सुपर कंप्यूटर राज किया करता था जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 93 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड, पर ये आया 200 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड लेकर जिसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक अनुमान के मुताबिक अगर इस दुनिया का हर एक इंसान 1 सेकंड में एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उन्हें 305 दिन लगेंगे, उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस सुपर कंप्यूटर को सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। अब समझ जाओ ये कितना फास्ट है। अब ये मशीन इतनी तेज चलती है कि इसे ठंडा रखने के लिए कुछ इंतजाम तो किए होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए हर मिनट 4,000 गैलन पानी यानी 15,141 लीटर पानी छोड़ा जाता है, जो अपने साथ 13 मेगावाट की हीट को ले जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से आपके कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ऐसी ही और वीडियोस भी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को देखना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।